Here, welcome back. I'm Varun Agarwal and this is your channel Mantra of the Biology. So, अभी तक सेल द यूनिट ऑफ द लाइफ में हमें दो लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं. इन दो लेक्चर्स में हमने पढ़ा सेल के बारे में कि सेल एग्जैक्टली क्या होती है. ओके, सेल बायोलॉजी में जो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो हमने पढ़ा. ओके, अभी सभी साइंटिस्ट के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है, बट हमने स्टार्टिंग के कुछ बेसिक साइंटिस्ट के बारे में हमने स्टडी किया है. ओके, फिर हमने आगे हम जब हम चले तो हमने देखा कि सेल्स कितने टाइप की होती है. लाइक हमने बेसिक पढ़ा प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एंड मेसोकैरियोटिक, ये हमने देखा. ओके, फिर हम थोड़ा सा और आगे गए थे हम प्लांट और द एनिमल सेल के बारे में. बेसिक बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी कि एग्जैक्टली प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है. ओके, फिर हमने सेलुलर टोटिपोटेंसी के बारे में जाना कि सेलुलर टोटिपोटेंसी होती क्या है एंड उसके एप्लीकेशंस क्या है. सो आज के लेक्चर थर्ड में अब हम वही सेल के टाइप्स को और आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल टाइप्स क्या होते हैं. ओके, ये अब हम स्लोली एंड स्लोली सेल्स के अंदर हम मूव करने जा रहे हैं. ओके, एक सेल की यात्रा पे हैं. सो अब हम स्लोली एंड स्लोली सेल्स के बारे में डिटेल में अंदर जाएंगे. क्लियर? सो देखिए, सेल हमने बेसिकली स्ट्रेस इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लाइफ एंड बॉडी. अगर आपको सेल के बारे में पता है देन सेल में होने वाला मेटाबॉलिज्म का आप स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हम उसमें रेस्पिरेशन होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, बीटा ऑक्सीडेशन, बहुत सारे पाथवे सिर्फ सेल के अंदर होते हैं. तो एक बार आपको अगर सेल के बारे में स्टडी हो तो आप इनके बारे में इजिली स्टडी कर सकते हो. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट लाइक हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. जब अगर आपको सेल्स के बारे में पता है तो टिश्यू पढ़ना आसान है. ठीक है, हर चीज़ जब सेल से स्टार्ट हो रही है तो वाई डोंट वी स्टार्ट विद द सेल ओनली. तो हमने सेल के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं. सो अब लेक्चर थर्ड हम सेल टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे, सेल के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे अब हम. ठीक है, सो अगेन विद द फुल एंथोसम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेल टाइप. क्लियर? सो अगेन द टाइप्स ऑफ द सेल, द प्रोकैरियोटिक सेल, मेसोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल. हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या आता है. प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आपके बीजीए एंड द बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड द बैक्टीरिया आते हैं. ओके, वो बैक्टीरिया को भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, यू बैक्टीरिया, आर के बैक्टीरिया. मेसोकैरियोटिक सेल्स के अंदर डायनोफ्लेजिलेट्स आते हैं एंड यूकैरियोटिक के अंदर आपके प्लांट सेल, एनिमल सेल. यह हमने प्रोटिस्टा और फंगाई को हमने यहाँ पे नहीं रखा है. ओके, फिलहाल हमने नहीं रखा है प्रोटिस्टा एंड फंगाई के बारे में. ओके, लेकिन वो यूकैरियोटिक सेल्स में ही आते हैं. वो हमने इसलिए रखा, इसलिए नहीं रखा क्योंकि अब हम प्लांट सेल, एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे. ओके, बीजीए एंड द बैक्टीरिया यह हम पढ़ चुके हैं, डायनोफ्लेजिलेट पढ़ चुके हैं, इनमें रिप्रोडक्शन देख चुके हैं. अब प्लांट सेल, एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे. ओके, प्रोकैरियोटिक सेल ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज अ फंडामेंटली सिमिलर इवन थ्रू द प्रोकैरियोट एग्जिबिट ए वाइड वैरायटी ऑफ द शेप एंड द फंक्शन. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो फंडामेंटली सिमिलर है. मतलब अगर आप देखेंगे कि वैसे भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वो यूनिसेलुलर है, ये आपने देखा मोनेरा में यूनिसेलुलर होती है. क्लियर? इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फंडामेंटली सिमिलर है. फंडामेंटली सिमिलर होने का मतलब क्या है? सेल की अगर आप एक प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स को अगर आप कंपेयर करेंगे देन आपको डिफरेंस मिलेंगे, नो डाउट. बट फंडामेंटल उनके सेम है कि सेल्स का जो काम प्रोकैरियोटिक होता है वही काम यूकैरियोटिक का है. क्लियर? फंडामेंटली सेम है एंड फंडामेंटली सेम होते हुए भी प्रोकैरियोट डिफरेंट टाइप के शेप एंड फंक्शंस को वो एग्जिबिट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. व्हाइल इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक, जैसे जैसे स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिव होता जाता है वैसे वैसे उनकी शेप एंड द फंक्शंस वो ज़्यादा वाइड वैरायटी में शो नहीं कर पाते. फॉर एन एग्जाम्पल, प्रोटिस्टा देखेंगे यूकैरियोटिक है, हम भी यूकैरियोटिक है. प्रोटिस्टा भी यूकैरियोटिक है, हम भी यूकैरियोटिक है, बट हम कॉम्प्लेक्सिव यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. और जो प्रोटिस्टा और फंगस हैं ये लाइक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स नहीं है. तो इसमें आपको वाइड वैरायटी दिखाई देगी. ठीक है, ह्यूमंस के कितने टाइप होते हैं, ह्यूमंस में भी अगर आप सेक्सुअली डिवाइड करेंगे देन अ मेल एंड अ फीमेल. इसके अलावा ह्यूमंस में आपको कोई और डिफरेंट टाइप नहीं मिलेगा, सब ही सेम है, सब में होने वाले फंक्शन सेम है, सब कुछ सेम है. ठीक है, ह्यूमंस की अगर हम बात करें, बिकॉज वी आर कॉम्प्लेक्सिव ऑर्गेनिज्म. तो जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्सिटी की साइड बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके जो शेप एंड द फंक्शंस हैं वो इतने एग्जिबिट नहीं हो पाते हैं. ओके, इसलिए जितना जितना वो सिमिलर होगा, जितना वो जितना लाइट वेट पे होगा या सबसे लाइक लीस्ट डेवलप होगा वो अपनी ज़्यादा वैरायटी शो कर पाता है. और जैसे ही वो कॉम्प्लेक्सिव होता जाता है वैसे ही वैसे उसकी जो वैरायटी है वो बहुत ही कम हो जाती है. क्लियर? All the prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in the mycoplasma. The fluid matrix filling the cell is a cytoplasm. सभी
प्रोकैरियोटिक हैं उनमें सब में सेल वॉल होती है जो सेल मेम्ब्रेन को कवर करते हैं, ये भी हमने पढ़ा है, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी पढ़ा है हमने, और इवन लाइक आपके बैक्टीरिया में भी पढ़ा है कि सब में उनके चारों तरफ सेल वॉल पाई जाती है जो कि सेल मेम्ब्रेन को कवर करती है, क्लियर। एंड जो सेल के जो साइटोप्लाज्म, जो सेल में एक फ्लूड एक फिल होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, क्लियर। देर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ओके। प्रोकैरियोटिक में कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द न्यूक्लॉइड। जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ट एंड नॉट एनवलप्ड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए यूकेरियोटिक में बात करें तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है इट इज बेसिकली कवर्ड बाय ए डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के डबल मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड होता है। बट इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती तो ये नेक्ड होता है, ओके। बिल्कुल ये नेक्ड होता है, ये उसको कोई कवरिंग और कोई उसके अंदर कवरिंग नहीं होती है, वाइल इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। इन द जीनोमिक डीएनए सिंगल क्रोमोसोम और सर्कुलर डीएनए, मैनी बैक्टीरिया हैव ए स्मॉल सर्कुलर डीएनए। जनरली जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो जीनोमिक डीएनए होता है वो होता है सर्कुलर डीएनए, दिख रहा है सर्कुलर डीएनए, एंड मैनी बैक्टीरिया हैव ए स्मॉल सर्कुलर डीएनए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है एनसीईआरटी के इस लाइन में कि जीनोमिक डीएनए जो होता है वो आपका सर्कुलर होता है, क्लियर, सर्कुलर होता है, एंड सिंगल क्रोमोसोम, ये सिंगल क्रोमोसोम में कन्फ्यूजन होता है। लिसन, पहली बात, बैक्टीरिया में क्रोमोसोम नहीं पाया जाता, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज इसलिए नहीं पाया जाता, बिकॉज बैक्टीरिया में क्रोमोसोम इसलिए नहीं पाया जाता बिकॉज जनरली क्रोमोसोम जब बनते हैं जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ अपने आप को कवर करता है, और जब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हिस्टोन प्रोटीन ही नहीं होता है देन वो कभी भी क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो उन्होंने यहाँ जो डीएनए है उसी को ही क्रोमोसोम वर्ड उन्होंने दिया है, ओके। बेसिकली बैक्टीरिया में पॉलीअमाइंस होते हैं जो हिस्टोन जैसा वर्क करते हैं बट एग्जैक्टली वो क्रोमोसोम नहीं बनाते, क्लियर। एंड बहुत सारे बैक्टीरिया में स्मॉल सर्कुलर डीएनए उनके अंदर प्रेजेंट होता है। दिस स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड द प्लाज्मिड, जो अगर आप देखेंगे मैनी बैक्टीरिया हैव अ सर्कुलर डीएनए, ये जो सर्कुलर डीएनए है वो प्लाज्मिड के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमने पढ़ा एक्स्ट्रा जीनोमिक मटेरियल जो होता है, एक्स्ट्रा जीनोमिक जो मटेरियल होता है वो प्लाज्मिड होता है। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स कंटेन द यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया एंड वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक। देखिए ये कहना क्या चाहते हैं, जो प्लाज्मिड होते हैं ये प्लाज्मिड बेसिकली बहुत सारी यूनिक फिनोटिपिक करेक्टर्स दिखाते हैं। फिनोटिपिक होता है मतलब उसकी मॉर्फोलॉजिकल कह सकते हो, लाइक उसकी आउटर करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब फिनोटिपिक एग्जैक्टली फिनोटिपिक होता है, एक होता है फिनोटिपिक एक होता है जीनोटिपिक, ओके जीनोटाइपिक सॉरी। तो फिनोटाइपिक के अंदर वो होती है उसकी आउटर स्ट्रक्चर, लाइक उसका आउटर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कह सकते हैं, उसका बिहेवियर देख के जो हम स्टडी करते हो फिनोटाइपिक स्ट्रक्चर होता है। एंड एक तो जीनोटाइपिक जो उसकी हम लाइक कह सकते हो कि इन्वायरमेंट के करेक्टर, लाइक उसमें होने वाले जो इकोलॉजिकल चेंजेस के बेसिस के ऊपर जो स्टडी की जाती है वो होते हैं जीनोटाइपिक करेक्टर्स, क्लियर। सो वैसे ही बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड होता है उसके अंदर एक प्लाज्मिड बेसिकली फिनोटाइपिक करेक्टर शो करता है, और ये जो करेक्टर होता है इट इज रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक। वन सच करेक्टर इज रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक, ये जो फिनोटिपिक करेक्टर्स के अंदर एक करेक्टर होता है एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टिविटी शो करना, क्लियर। हमने पढ़ा है सबके बारे में कि प्लाज्मिड के डिफरेंट डिफरेंट रोल होते हैं, प्लाज्मिड बेसिकली एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टिव प्लाज्मिड बोलते हैं, क्लियर, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं, कोल्ड प्लाज्मिड होता है, ये सब हम स्टडी कर चुके हैं प्रोकैरियोट्स में। Prokaryotes have a something unique in the form of the inclusions. A specialized differentiated form of cell membrane called the mesosomes is a characteristic of the prokaryote and they are essential in folding of the cell membrane. देखिए bacterial cells के अंदर कुछ कुछ inclusion body पाई जाती है, ये भी हमने पढ़ा है, polyhydroxybutyrate उसके अंदर होता है, okay, इसके अलावा ये food को भी store करते हैं, okay, and इसके अंदर फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये सब उनके अंदर इंक्लूजन बॉडी होती है जो एक विशेषता है एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया की। और एक सेल मेम्ब्रेन की एक डिफरेंट खास बात होती है बिकॉज ये सेल मेम्ब्रेन मीजोसोम बनाती है, क्योंकि बैक्टीरियल सेल के अंदर कोई भी किसी भी तरह का माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता तो उसकी ही जो सेल मेम्ब्रेन होती है कॉइल कर जाती है अंदर की तरफ और एक सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, और उसी सरफेस एरिया को बढ़ने की वजह से वही रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। Now the cell envelope and its modification. हमने ये भी पढ़ा है कि जनरली हर एक बैक्टीरिया में, नॉट हर बैक्टीरिया में, हर जरूरी नहीं हर किसी बैक्टीरिया में, जनरली जब पैथोजेनिक होते हैं तो जनरली उनके चारों तरफ एक सेल एनवलप होता है,
ओके सेल का एक घेराव होता है सराउंड द सेल वॉल। उस सेल एनवलप जो होता है उसको हम ग्लाइकोलेक्स बोलते हैं, जो कि दो डिवाइड डिफरेंट टाइप्स में हो सकता है जनरली, या तो फिर वो टाइट बाउंडेड है, हार्ड स्ट्रक्चर है तो कैप्सूल बोलते हैं, और अगर आपका लूज सीथ स्ट्रक्चर है जनरली मॉइस्चर को रिटेन करने में काम करता है, देन उसको हम स्लाइम लेयर बोलते हैं। तो ये भी हमने पढ़ा है कि मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पर्टिकुलरली द बैक्टीरिया सेल्स हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप, ओके जनरली पॉलीसेक्राइड्स के बने हुए होते हैं। और ये भी हमने स्टडी किया है कि एग्जैक्टली इनका काम क्या होता है, सब स्टडी किया है लेक्चर नंबर 7 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। ओके मैंने एक्चुअली इससे डिटेल में नहीं लेके आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पढ़ाऊंगा तो मैं सारा पढ़ाऊंगा, तो मैं यहाँ पे अभी डिटेल नहीं स्ट्रक्चर स्टार्ट करना चाहता। मैं यहाँ पे आपको लिंक दे देता हूँ लेक्चर नंबर 7 इन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहाँ पे हमने सेल एनवलप के बारे में स्टडी किया है फुल डिटेल में, क्लियर। एंड सेल एनवलप बनता कैसे वो भी हमने स्टडी किया है। ओके राइबोसोम, राइबोसोम जनरली प्रोकैरियोट्स के अंदर होते हैं एंड दे आर द एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ओके ओके प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में एसोसिएट होते हैं, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में एसोसिएट होते हैं, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर ये ऐसे चिपके हुए होते हैं, और या वो फ्री कंडीशंस में भी हो सकते हैं। और अगर वो फ्री कंडीशंस में होते हैं मतलब साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं, देन उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेन्यूलर साइटोप्लाज्म। ओके राइबोसोम जनरली क्या होता है, 50 नैनोमीटर के होते हैं, 50 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन साइज, एंड दे आर मेड ऑफ द टू सब यूनिट्स। देखिए जो प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है 70S का होता है, ठीक है, एस या स्वेडबर्ग यूनिट है। जब उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट लाइक उसके स्वेडबर्ग कांस्टेंट पे ये सेटल डाउन होते हैं। सो ये जनरली 70S होता है, एक तो 50S और 30S, दो यूनिट होती है, ठीक है। आप दोनों का एडिशन मत कीजिएगा, 80S बनता है, बट ये दोनों जब आपस में एडिशन होते हैं तो एडिशन होकर 70S राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है, मतलब राइबोसोम के ऊपर ही प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। एंड सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू ए सिंगल mRNA एंड द फॉर्म ए चैन कॉल्ड द पोली राइबोसोम एंड पोलीसोम। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द नीट एग्जामिनेशन कि पोली राइबोसोम्स एग्जैक्टली है क्या। देखिए क्या होता है कि मान के चलिए कि मैं आपको एक नॉर्मल एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। क्या होता है कि जनरली जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, क्योंकि जनरली राइबोसोम की राइबोसोम साइट है प्रोटीन सिंथेसिस करने का, ठीक है। क्या होता है कि mRNA है ये आपका, mRNA मतलब क्या होता है, मैसेंजर RNA जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है, और इन्फॉर्मेशन जो होती है उस इन्फॉर्मेशन को जो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो इन्फॉर्मेशन होती है मैसेंजर RNA की, क्लियर। मैसेंजर RNA की इन्फॉर्मेशन होती है, उसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम जो क्या होता है इस लाइक mRNA से अटैच हो जाते हैं। जैसे ये mRNA है उसके ऊपर एक राइबोसोम यहाँ अटैच हो गया, एक ऐसे मतलब उसकी 50S और 30S इस तरीके से यूनिट्स आपस में एसोसिएट होती हैं। मेजरली पहले 30S एसोसिएट होती है, देन 50S आती है, फिर 30S होती है, फिर 50S आती है। तो एक ही सिंगल चैन के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम आपस में अटैच हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉली राइबोसोम और पॉलीसोम। ओके एंड द राइबोसोम और पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू द प्रोटीन। फिर जब पॉलीसोम में जो राइबोसोम है, जैसे कि अभी जो एक चैन है उस चैन के ऊपर इस तरीके से राइबोसोम आपस में अटैच्ड, ऊपर नीचे मतलब एक ऊपर हो गया आपकी लाइक बड़ी यूनिट, नीचे छोटी यूनिट, ऊपर बड़ी यूनिट, नीचे छोटी यूनिट, ऊपर बड़ी यूनिट, नीचे छोटी यूनिट। अब ये जो होते हैं, देन ये पॉलीसोम होता है, ये mRNA को बेसिकली कोड को आइडेंटिफाई करके उसको प्रोटीन में कन्वर्ट करता है अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन mRNA के ऊपर होती है। ओके इंक्लूजन बॉडी, ये हम पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर रिजम मटेरियल होता है जो साइटोप्लाज्म में होता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। एक्चुअली डेड मटेरियल होता है, इंक्लूजन बॉडी एक्चुअली डेड पोर्शन है, इसका कोई लिविंग स्ट्रक्चर में या फंक्शन लिविंग स्ट्रक्चर में कोई रोल नहीं होता, बस इसमें क्या होता है कि स्टोर कर दिया जाता है, जैसे कि हमारे घर का स्टोर रूम है। तो इंक्लूजन बॉडी एक्जैक्टली द स्टोर रूम ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स, जो कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती, साइटोप्लाज्म में फ्री होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, जिसके अंदर फॉस्फेट होते हैं, साइनोफाइकिंग ग्रेन्यूल्स, ये बेसिकली होते हैं साइनोबैक्टीरिया में, दे आर द इंपॉर्टेंट स्टोरेज ऑफ द कार्बन एंड द नाइट्रोजन। ओके एंड द ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, क्या होता है कि ग्लाइकोजन इट मीन जो ग्लूकोज को ही बेसिकली स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में, कि जब ग्लाइकोजन की जरूरत पड़े तो ग्लूकोज की जरूरत पड़े तो ग्लाइकोजन को अगेन ब्रेक करके ग्लूकोज को वो यूज कर लें। हम हमारी बॉडी भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करती है, फंगस की बॉडी भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करती है, वाइल इन द केस ऑफ द प्लांट वो स्टार्च के फॉर्म में जनरली फूड को स्टोर करती है।
गैस वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं ब्लू ग्रीन एंड पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, जो उसको फ्लॉट करने में हेल्प करते हैं. ओके ये देखिए ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है जिसके बारे में हमने स्टडी किया है अबाउट लाइक द पिलाई, उसका फ्लैजेला क्या है, उसका कैप्सूल, उसके सेल वॉल, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका साइटोप्लाज्म, ओके उसकी एंड राइबोसोमल यूनिट, ये सब हम स्टडी कर चुके हैं. ओके एंड नेक्स्ट है आपका यूकेरियोटिक सेल्स. बेसिकली हमने ये स्टडी किया है अबाउट द मेसोकैरियोटिक के बारे में स्टडी कर चुके हैं, डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में. अब हम पढ़ेंगे यूकेरियोटिक सेल्स के बारे में. इट इंक्लूड द ऑल प्रोटिस्ट प्लांट एनिमल एंड द फंगाई, ये भी हमने स्टडी किया है ऑल. ओके यूकेरियोटिक सेल्स एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म का कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है. देखिए जनरली जो लाइक जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स नहीं है, ओके जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप बात करें जैसे कि प्रोटिस्टा की, इवन जो यूनिसेलुलर है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें जनरली हर एक सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता जो कि कॉम्प्लेक्स यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर होता है. बट वहाँ से एक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, वे ऑफ रिप्रोडक्शन चेंज होना स्टार्ट हो जाता है. इवन आपको कुछ धीरे धीरे उसमें सेल ऑर्गेनेल्स बनने लग जाते हैं. सो यूकेरियोटिक सेल्स में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटाइजेशन हो जाता है. कहने का मतलब ये है कि बैक्टीरिया में तो क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन ही मैक्सिमम सारे काम कर रही थी. गैसेस का एक्सचेंज करना हो तो वही काम करना है, किसी एक्सेट्री बॉडी को मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना है तो सेल मेम्ब्रेन का काम यूज हो रहा है. रिप्रोडक्शन करना है देन सेल मेम्ब्रेन ही अपना काम प्रोड्यूस कर रही है, मतलब एक के ऊपर ही सारा बर्डन है. ठीक है उनका थोड़ा सा कह सकते हो फाइनेंशियली थोड़ा सा हाँ डाउन थे इसलिए एक ही के ऊपर सारा बर्डन आ गया. वाइल इन केस ऑफ द यूकेरियोटिक सेल्स में क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनेल अपना अपना काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना और राइबोसोम. क्लियर गॉल्गी बॉडी जो प्रोटीन को लाइक आपको मॉडिफाइड करना हो उसको डिफरेंट लाइक उसको रो प्रोटीन को किसी फंक्शन प्रोटीन में कन्वर्ट करना हो देन गॉल्गी बॉडी यूज कर लिया. किसी भी वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट, जैसे किसी डाइजेशन का काम करना है देन लाइसोसोम्स आ गए. ठीक है कोलेस्ट्रॉल है प्रोटीन का काम करना है देन बेसिकली उसके RER और SER उस पर होते हैं. तो हर एक काम के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है. ओके मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स उसमें पाए जाएंगे आपको. न्यूक्लियस होगा विद द न्यूक्लियर एनवलप, मतलब जो न्यूक्लियस होगा न्यूक्लियर एनवलप के साथ में प्रेजेंट होगा. ये तो स्ट्रक्चर आपको हर एक बैक्टीरिया में मिल जाएगा, सॉरी हर एक यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर मिल जाता है, चाहे प्रोटिस्टा से अगर आप स्टार्ट करें, प्लांट एनिमल फंगस सब में ही मिल जाता है. बट जरूरी नहीं है कि हर प्रोटिस्टा के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हो. हाँ बट आपको वे ऑफ रिप्रोडक्शन में काफी चेंज नजर आएगा आपको. ओके अब एक जस्ट एक डिफरेंस मैंने यहां बनाया है वो देखिएगा एक बार. देखिए ये आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सर्कुलर डीएनए, ठीक है सर्कुलर डीएनए जिसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है. व्हाइल इन केस ऑफ द यूकेरियोटिक सेल्स न्यूक्लियस है विद द न्यूक्लियर एनवलप, ये न्यूक्लियर एनवलप है, ये दिख रही है आपको, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये दूसरी आउटर मेम्ब्रेन है और इसके बीच का जो है वो पोर है, ये दिख रहा है ये पोर है, इसके बीच में जेनेटिक मटेरियल, ये जो दिख रहा है आपको ये जेनेटिक मटेरियल है. ओके अब यहाँ पे एक मैंने जस्ट ड्रॉ किया है कंपार्टमेंटाइजेशन, बट एग्जैक्टली कंपार्टमेंट ऐसे एरो नहीं होते कि सेल को आपने 10 पार्ट में डिवाइड, ऐसा नहीं होता. एग्जैक्टली होता है क्या है कि ये जो कंपार्टमेंटाइजेशन होता है वो सेल ऑर्गेनल्स करते हैं कि तेरा काम तेरा, तू अपना काम देख मैं अपना काम देखता हूं. ऐसे सेल ऑर्गेनल्स अपना काम करते हैं. तो ये अगर आप देखेंगे ना ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है. देखिए ये एक मेम्ब्रेन दूसरी मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है, बट एग्जैक्टली किसी भी तरह का कंपार्टमेंटाइजेशन नहीं होता. ये मैंने बनाया है इस तरीके से, सब अपने अपने ऑर्गेनल्स अपना काम करते हैं. ओके यूकेरियोटिक सेल्स की बात करें, यूकेरियोटिक सेल्स दिस शो द वाइड वैरायटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स लोकोमेट्री एंड द साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर. जब हम पढ़ेंगे यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर, इनमें बेसिकली क्या होता है, साइटोस्केलेटन होता है, बहुत सारे ट्यूब्यूल्स और फाइबर्स होते हैं जो बेसिकली किसी भी एक, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कोई भी प्रोटीन बनता है, ठीक है उसको एक जगह से दूसरी जगह में सेल को लेके जाना है, तो उसके लिए साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर होता है. ट्यूब्यूल्स बहुत सारे ट्यूबुलर्स होते हैं, इंटरमीडिएट फाइबर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होती है जो मूवमेंट के लिए हेल्प करती है. ठीक है फॉर एन एग्जांपल कोई वेस्ट मटेरियल को कोई वेस्ट मटेरियल है उसको सेल बाहर निकालना चाहती है अपने आप से, तो वेस्ट मटेरियल कैसे जाएगा, न्यूक्लियस से फॉर एन एग्जांपल कोई वेस्ट मटेरियल जा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर, तो उसको मूव कराने के लिए बहुत सारे इंटरमीडिएट फाइबर्स होते हैं जो उसको मूव कराने में हेल्प करते हैं. क्लियर इन केस ऑफ द लोकोमेट्री, और अगर आप देखेंगे एक ये पॉइंट हो गया. इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं कि जो साइटोप्लाज्म को स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं. ओके साइटोप्लाज्म जब हम साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे, जो हम पढ़ेंगे बहुत सारे फाइबर्स और ट्यूब्यूल्स के बारे में,
सो देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज इन टू द क्रोमोसोम. क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे जो डीएनए होता है स्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपट जाता है और वो पूरा कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है. ऑल द यूकेरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल. ठीक है, प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मर प्रोसेस सेल वॉल प्लास्टिड एंड देयर लार्ज सेंटर ऑफ वैक्यूल्स विच आर एब्सेंट इन द एनिमल सेल्स. यहाँ पे हम यूकेरियोटिक सेल्स में से प्लांट और एनिमल सेल्स के बारे में ही डिस्कशन करेंगे. प्रोटिस्टा एंड फंगाई के बारे में हम पढ़ चुके हैं. प्लांट एनिमल सेल दोनों यूकेरियोटिक होते हैं बट आइडेंटिकल नहीं होते. कुछ बेसिक डिफरेंस आपको मिलेंगे. हाँ, फंडामेंटली दोनों का फंक्शन सेम है. ठीक है, प्लास्टिड जनरली आपको मिल जाता है. ठीक है, सेल वॉल मिलता है प्लास्टिड. ठीक है, इसके अलावा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ये आपको प्लाज्मा सॉरी आपको ये मिलेंगे प्लांट सेल के अंदर. एनिमल सेल के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते. प्लास्टिड बेसिकली जैसे कि बहुत सारे उसमें फूड स्टोर करने के लिए प्लास्टिड होता है जो जनरली आपके लाइक आपके सॉरी क्लोरोफिल है, इसके अलावा लाइकोपिन है, ये सब प्लास्टिड्स हैं. इनका एग्जैक्टली काम कलर प्रोड्यूस करना नहीं, इनका बेसिक काम होता है फूड को स्टोर करना. फिर सेकेंडरी वर्क होता है कलर प्रोड्यूस करना. लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है, सेल वॉल होती है प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है, बल्कि वाइल इन द एनिमल द एब्सेंस. एनिमल्स के अंदर एनिमल्स विल हैव ए सेंट्रियोल विच आर एब्सेंट इन द ऑलमोस्ट ऑल अदर प्लांट्स. एनिमल्स सेल में अगर आप देखेंगे एक सेंट्रियोल होता है जो कि हर एक प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होता है. किसी भी प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता. सेंट्रियोल बेसिकली क्या होता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है. जब हम माइटोटिस और मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे जब हम देखेंगे सेंट्रियोल का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है. ये प्लांट सेल में नहीं होता, केवल और केवल एनिमल सेल में होता है. और क्यों नहीं होता ये उसका आंसर हम वहां देखेंगे. यह हम देखेंगे इफ वी लुक ऑन द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल्स एंड द प्लांट सेल्स. एनिमल सेल के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है. वाइल इन केस ऑफ द प्लांट्स है इनके चारों तरफ एक रिजिड सेलुलोज की एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है. सेलुलोज के अलावा भी अदर कंपोनेंट उसमें होते हैं, लिग्निन, पैक्टिन, ओके एंड सुबेरिन और हेमी सेलुलोज. बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं बट मेजर कंपोनेंट उसमें सेलुलोज होता है जिसका फंक्शनली कोई रोल नहीं क्योंकि ये डेड होती है. सिर्फ उसका एक ही रोल है जिससे उसे स्ट्रेंथ देना. इसलिए एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल में जो ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है वो प्लांट सेल्स में होती है. यहाँ पे देखिए एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है. ये क्यों ऐसा होता है ये भी हमने बताया था कि इतनी बड़ी सेल सेंट्रल वैक्यूल क्यों प्रेजेंट होती है. यहाँ पे आप देखेंगे एंड इसके अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है. वाइल इन केस ऑफ द एनिमल सेल इसके अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है. ये कुछ बेसिक डिफरेंस है ठीक है जो हमने अभी तक देखे हैं. ओके, अब वही डिफरेंस हमने बस एक टेबल ऑफ फॉर्म में दे दिए कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है. प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है. प्लांट सेल जो होते हैं साइज में ज्यादा बड़े होते हैं, एनिमल सेल छोटी होती है. प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है जो कि एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है. प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल के अंदर प्लाज्मोडेस्मेटा एब्सेंट होते हैं. प्लाज्मोडेस्मेटा कुछ नहीं है, सेल के दो सेल के बीच में से जाने वाले साइटोप्लाज्मिक थ्रेड हैं जो बेसिकली कम्युनिकेशन करते हैं. दो सेल के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू होता है कि एक सेल को जब इन्फॉर्मेशन दूसरी सेल को भेजनी है तो प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू करते हैं. ये सिर्फ प्लांट सेल की करेक्टरिस्टिक है, एनिमल सेल में ऐसी करेक्टरिस्टिक नहीं होती है क्योंकि एनिमल सेल के अंदर तो वैसे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है. सो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं. वाइल इन केस ऑफ द प्लांट सेल उसमें तो वैसे भी रिजिड स्ट्रक्चर्स होते हैं तो कम्युनिकेशन के लिए वो एक साइटोप्लाज्म के थर्ड भेजते हैं दूसरी सेल में जिससे वो अपना कम्युनिकेशन कर सकें एक दूसरी सेल से. ओके, प्लांट सेल के अगर हम डिस्कस करें तो प्लांट सेल्स के बारे में देखिए, ये सेल वॉल प्रेजेंट है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेंट्रल वैक्यूल है और ये जो दिख रहा है आपको सेंट्रल वैक्यूल के चारों तरफ की जो मेम्ब्रेन होती है टोनोप्लास्ट होती है जो एक लिविंग मेम्ब्रेन है इवन ऑस्मोटिक प्रेशर में भी एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्रोड्यूस करती है. और बट जो सेंट्रल वैक्यूल के अंदर जो एक नॉन लिविंग फ्लूड इसके अंदर फिल होता है, ओके, नॉन लिविंग लिक्विड होता है उसको हम सेल सैप बोलते हैं. ओके, ये न्यूक्लियस उसके अंदर प्रेजेंट होता है एंड ये न्यूक्लियस के अंदर इसका डीएनए प्रेजेंट होता है. तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा. अदरवाइज क्लोरोप्लास्ट को छोड़ के और क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है वेल जो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है. प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है बट आपको एनिमल सेल में मिलता है. इसके अलावा सभी सेल ऑर्गेनल्स सेम है इसमें. ओके, हाँ, प्लास्टिड्स होते हैं. प्लास्टिड्स बेसिकली प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते. ओके, सेल ऑर्गेनल्स है इसमें. तो प्लांट सेल में अगर आप देखें तो जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं, सेल वॉल है इसमें, सेंट्रल वैक्यूल है और प्रोटोप्लाज्म है. ठीक है, सेल वॉल चारों तरफ होती है. सेल वॉल में भी आपको डिफरेंट आपको लेयर्स मिलेंगी. मिडिल लैमेला,
ठीक है। मिडिल लेमेला एक्चुअली क्या होता है, सीमेंटिंग लेयर होती है जो दो सेल्स को आपस में कनेक्ट करती है। ओके, जैसे दो सेल्स है तो आपस में कनेक्ट करने के लिए चाहो तो सीमेंट लगा देते हैं ना बीच में, दो दीवार को कनेक्ट करने के लिए, दो ईंट को कनेक्ट करने के लिए, वैसे मिडिल लेमेला होती है। फिर प्राइमरी सेल वॉल लेयर होती है, फिर सेकेंडरी सेल लेयर होती है, फिर टर्शियरी सेल लेयर होती है। ये होती है सेल वॉल की करेक्टरिस्टिक्स, ये सब पढ़ेंगे। बस अब मैंने बेसिक यहाँ रखा है सिर्फ, और कुछ नहीं है। सेंटर वैक्यूल में क्या होता है, टोनोप्लास्ट लिविंग मेम्ब्रेन होती है और सेल से जिसको नॉन लिक्विड फ्लू जो फ्लूड होता है उसके अंदर। प्रोटोप्लाज्म में हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। अगर साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो उसे बनता है प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को अगर हम स्टडी करते हैं तो वो होता है प्रोटोप्लाज्म। ओके, ठीक है। टोनोप्लाज्म जिसमें से एक लिविंग मेम्ब्रेन है जो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करती है, सेल सैप एक नॉन लिविंग फ्लूड है। ओके, साइटोप्लाज्म अगर हम देखेंगे, साइटोप्लाज्म में क्या क्या इंक्लूड होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं और रिमेनिंग लिक्विड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें कुछ इंक्लूजन बॉडीज भी प्रेजेंट होती है। ओके, न्यूक्लियस में अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब वही जैसे ये साइटोप्लाज्म जैसा ही होता है, न्यूक्लियस के अंदर फिल्ड एक लिक्विड है। फिर क्रोमोसोम्स होते हैं और प्लस न्यूक्लियोलस होता है। ओके, अगर आप सेल मेम्ब्रेन की करेक्टरिस्टिक देखेंगे तो ये लिविंग मेम्ब्रेन है जिसका दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फॉस्फोलिपिड बाय लेयर होती है। ये वैसे हमने बेसिकली पढ़ा है बट अब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे अभी। ओके, सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो बेसिकली सेल ऑर्गेनल्स आपके तीन टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड मेम्ब्रेन लेस। ये तीन टाइप के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ओके, फिर रिमेनिंग लिक्विड होता है। रिमेनिंग लिक्विड में क्या होता है, फ्लूड पोर्शन होता है, मेनली कॉन्स्टिट्यूट्स आर द वाटर एंड द प्रोटीन। जिसका जो रिमेनिंग लिक्विड बच गया, जो मतलब साइटोप्लाज्मिक लिक्विड हो गया जिसके अंदर वाटर होता है और प्रोटीन होता है। ओके, ओके, अगर आप देखेंगे कि जो सेल ऑर्गेनल्स को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट मेम्ब्रेन तो ये तीन टाइप्स के आपको मिलेंगे, डबल मेम्ब्रेन से सेल ऑर्गेनल्स जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया आता है, क्लोरोप्लास्ट आता है, न्यूक्लियस आता है। एग्जैक्टली इन सब सेल ऑर्गेनल्स के अंदर खुद का डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो उनको सुरक्षा देने के लिए इनके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन होती है। वाइल इन केस ऑफ द मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स, इसमें हम देखेंगे तो इसमें राइबोसोम होता है, सेंट्रियोल्स होता है। राइबोसोम के अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती चारों तरफ, सेंट्रियोल्स में कोई मेम्ब्रेन चारों तरफ नहीं होती, बट सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है एनिमल सेल के अंदर। ओके, एग्जैक्टली एक कंफ्यूजन आता है सेंट्रियल और सेंट्रोमियर का, काफी जगह आपको कंफ्यूजन फील होगा, सेंट्रियल एंड द सेंट्रोमियर। ओके, सेंट्रियोल बेसिकली याद रखना सेल डिवीजन में हेल्प करने वाला एक सेल ऑर्गेनल है। सेंट्रोमियर बेसिकली दो क्रोमोसोमल यूनिट एक बेसिकली एक स्ट्रक्चर से आके जुड़ती है, पॉइंट पे आके जुड़ती है, इसको हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन भी कहते हैं जिसको नाम होता है सेंट्रोमियर। तो कंफ्यूज मत होइएगा सेंट्रियोल्स और सेंट्रोमियर में। ओके, सेंट्रोमियर दोनों में प्रेजेंट है, प्लांट में भी प्रेजेंट और एनिमल में भी प्रेजेंट है सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल नहीं होता। सिंगल मेम्ब्रेन में बेटा जो इसके अलावा जो बचे सारे सेल ऑर्गेनल सिंगल मेम्ब्रेन में आते हैं, आप चाहे ईआर लगा लो, गोल्गी बॉडीज लगा लो, और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल जो होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। क्लियर। न्यूक्लियोप्लाज्म में अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोप्लाज्म का उसकी करेक्टरिस्टिक देखें तो उसको हम कैरियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, कैरियोप्लाज्म बिकॉज ये बिल्कुल सेंटर का पोर्शन होता है, न्यूक्लियस सैप मतलब लिक्विड। ओके, न्यूक्लियस का लिक्विड, इट इंक्लूड्स द क्रोमोसोम एंड द न्यूक्लियोलस। इसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं और न्यूक्लियोलस होता है। ओके, क्रोमोसोम अगर आप देखेंगे तो क्रोमोसोम एक्जैक्टली कैसे बनते हैं, क्या होता है कि डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन आपस में बाइंड अप होते हैं और बाइंड अप होकर क्रोमोटीन बनाते हैं, और क्रोमोटीन कंडेंसेशन होता है और क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट होता है। क्लियर। अगर आप न्यूक्लियोलस देखेंगे तो ये बेसिकली राइबोसोम का बायोसिंथेसिस की जो साइट होती है वो न्यूक्लियोलस होती है। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे जो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सो फ्रेंड्स एंड माई डियर्स, ये हमारा लेक्चर थर्ड था, तो शायद हो सकता है कि लेक्चर लंबा हो गया हो, बट मैंने पहले भी बोला हमारा कंटेंट बड़ा हो सकता है बट कहीं भी ऐसा पॉइंट नहीं रखेंगे जहां पे आपको कोई मिस कर जाओ, जहां पे आपको कोई बोर लगे। ओके, वी आर ट्राइंग बेस्ट, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है जस्ट यू गिव योर बेस्ट। ओके, एंड ऑलवेज डू द प्रैक्टिस, जितनी भी नॉलेज आए उसको प्रैक्टिस कीजिए। जब तक नॉलेज के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, जब तक वो नॉलेज स्टेबल नहीं होगी। और अपने आप को एक पॉइंट फिक्स मत कर दीजिए, लाइक अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया या आपने सेल पढ़ लिया देन यू आर द लाइक द सुपीरियर इन द सेल, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। सुपीरियर नहीं हो सकता, कोई भी पर्सन किसी भी फील्ड में सुपीरियर नहीं हो सकता। ओके, हर पर्सन हमेशा कोई नया जानने का ट्राई करता है, दैट हॉबी शुड बी विद इन यू। क्लियर, वो हॉबी आपके साथ में होनी चाहिए। इफ इट इज नॉट विद यू देन प्रोबेबली आप आगे अपग्रेड करने में आपको दिक्कत होगी। सो दैट हॉबी अगेन इट शुड बी विद यू। इफ इट इज इन विद यू देन
कोई आपको रोक नहीं सकता वर्ल्ड लेवल पे टॉप डॉक्टर बनने से, दिस इज माय गारंटी। सो फिलहाल अभी चलते हैं, मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में, प्लांट सेल को हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर 4 में, नमस्कार।